एक प्रश्न आया है कि 2019 में भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेके आ रही है, तो पुरानी शिक्षा नीति क्या थी? खासतौर से एक उपासक ने कहा है, एक दर्शक ने, कि आप बताएं कि बुद्ध के समय में शिक्षा नीति कैसी थी? जो बुद्ध का दर्शन है, यानी बुद्ध का दर्शन है या फिलॉसफी है, उस पूरी फिलॉसफी में एक बात निकल के आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दर्शन के अनुसार अगर पूरे विश्व में जो एरिया अशिक्षित रहेगा, जिसके पास शिक्षा नहीं होगी, यानी शिक्षा नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, वो हिस्सा उस दूसरे हिस्से का गुलाम रहेगा जिसके पास जानकारी होगी। यानी कि कम जानकारी वाला ज्यादा जानकारी वाले का गुलाम रहेगा। ये उस पूरी एजुकेशन का सिस्टम का सार है जो बुद्ध ने डेवलप की और जो बुद्ध ने खुद पैदा की। बुद्ध की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी दुनिया में बहुत गजब की और बहुत कमाल की है। ऐसी गजब की और ऐसी कमाल की टेक्निक और ऐसी सिस्टम और ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में आज तक इजाद नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ। सिक्खा पदंग समाद्यामी, आप उनकी भाषा में पढ़ते होंगे, जब वो बार बार बोलते हैं सिक्खा पदंग समाद्यामी। सिक्खा माने, बाद में जो भाषा चेंज हुई जिसमें स की जगह श आया तो शिक्षा कर दिया। पदंग माने पैर भी होते हैं और पदंग माने पद भी होते हैं। यानी कि जो शिक्षा है उसके पद के अनुसार चलने की मैं आदत डालता हूँ या प्रण करता हूँ, ऐसा करके वो बार बार बोलते हैं। बेसिकली शिक्षा है क्या, शिक्षा है क्या? क्योंकि बुद्ध के समय में अक्षर नहीं थे। जो अल्फाबेट हैं, कह कह गए ABCD, अलिफ बे पे, या हम कहें बाद में उड़ा एड़ी एड़ा, या जो भी अल्फाबेट दुनिया में आज की डेट में हजारों हैं, तब एक भी अल्फाबेट नहीं था। मगर फिर भी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खोली, फिर भी उन्होंने स्कूल खोले, फिर भी उन्होंने कॉलेज खोले, जिनको वो बिहार बोला करते थे। और बिहार के का नाम जो पड़ा मगध से, मगध राज्य से, वो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ इतने स्कूल खोले, इतने बिहार खोले कि उस जगह का नाम बिहार पड़ गया और वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग थे। बुद्ध के बाद उनके जो डिसिपल्स थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे या भिक्खु थे या भिक्खु संघ था, उन्होंने 12 यूनिवर्सिटियाँ बहुत टॉप लेवल की बनाई जिसमें पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। और भारत में पढ़ाई का और एजुकेशन का सिस्टम टॉप लेवल पे था पूरी दुनिया में। सारी की सारी यूनिवर्सिटियाँ नंबर 1 रैंक की वर्ल्ड के हिसाब से। बेसिकली वो समझ गए थे कि जो नॉलेज का ट्रांसफर है, क्योंकि उस समय तक वो नॉलेज देते थे, ज्ञान देते थे जो उन्होंने खुद डेवलप किया, खुद पाया। उस ज्ञान के आधार पे उन्होंने ये पाया कि अगर ये सम्यक ज्ञान, यानी सही जानकारी, सही नॉलेज अगर मैं विश्व को देता हूँ तो विश्व का बेटरमेंट होगा, और अगर वो विश्व को देते हैं तो मुल्कों का, देश का बेटरमेंट होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, उनका अच्छाई होगी, उनका विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और अगर देश का होगा तो प्रांत स्टेट का होगा, और स्टेट और प्रांत का होगा तो नगर का, उपनगर का, गांव का, तहसील का, फिर मोहल्ले का होगा, और आखिर में ये परिवार में जाएगा और परिवार में एक इंडिविजुअल का विकास होगा। इसको हम उल्टा करके आज के संदर्भ में देखें कि अगर पूरे भारत में सारे लोग पढ़ जाते हैं, तो अगर सारे लोग पढ़ जाते हैं तो उस परिवार का विकास होगा, परिवार के विकास से उस मोहल्ले का विकास होगा, उस मोहल्ले के विकास से उस कस्बे का, गांव का, नगर का विकास होगा, उससे शहर का विकास होगा, उससे पूरे स्टेट का, और उससे पूरे देश का, और पूरी दुनिया का। इसलिए शिक्षा जो है वो हर एक आदमी का एक फंडामेंटल राइट है जो उसे मिलना चाहिए, और ये ड्यूटी है सरकार की कि सरकार उसको कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षा दे, जैसे बुद्ध देते थे घर घर जाकर। बुद्ध क्या करते थे? बुद्ध ने अपने जैसे बहुत सारे टीचर तैयार किए। सारे ही टीचर जितने भी थे वो बहुत डेडिकेटेड थे और वो बॉर्न टू टीच होते थे, यानी पढ़ाने के लिए ही पैदा होते थे, और जिनको पढ़ाने की इच्छा होती थी वही जाते थे। बुद्ध उनको सम्यक चीज़ पढ़ाते थे, कभी उनको डिस्ट्रक्टिव या उल्टी चीज़ नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि पढ़ाई का मतलब तो उल्टा भी हो सकता है, सीखने का मतलब तो उल्टा भी हो सकता है। आप उनको युद्ध सिखाएंगे वो युद्ध सीख जाएंगे, आप उनको जहर सिखाएंगे वो जहर सीख जाएंगे, आप उनको अच्छा ज्ञान सिखाएंगे वो अच्छा सीख जाएंगे। इसलिए बुद्ध हमेशा सम्यक चीज़ सिखाते थे, और जितने भी उनके डिसिपल थे, जितने भी उनके संघ थे, या जितना भी संघ में स्ट्रक्चर, जितने भी संघ के टीचर थे, वो सारे के सारे आते थे
ये सोच के कि हमें सिखाना है, और वो सिखाते थे। और जब वो सिखाते थे तो कुछ लेते नहीं थे, क्योंकि उनका सिर्फ ये था कि 12 बजे से पहले उन्हें खाना खाना है, वो भी मिलके बैठ के, मिल गया तो ठीक है। कंपल्शन नहीं था आपके ऊपर, कंपल्शन नहीं था कि आप उनको कुछ ना कुछ देंगे, मगर उनकी तरफ से एक कंपल्शन था कि अगर आपका खाना खाएंगे या आपसे वो खाना लेंगे बदले में, तो आपको शिक्षा जरूर देंगे। वो फ्री में खाना नहीं नहीं खाते थे, ये संघ का नियम था। संघ जगह जगह जाता था और जगह जगह जाके बिहार खोलता था, और वहाँ के सभी बच्चों कहता था आइए, बड़ों कहता था आइए पढ़िए, और वो एजुकेशन फ्री होती थी। और जगह जगह जाके और जो सीखता था वो टीचर बनता था और वो आगे चलता था। इस प्रकार पूरे देश में एक चैन चली, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, और पूरा भारत पढ़ गया। अशोक के समय तक तो पूरा भारत पढ़ा हुआ था, और तब तक तो लिपि भी आ गई थी। बुद्ध के एजुकेशन सिस्टम में इक्वल एजुकेशन थी, यानी कि एक समान एजुकेशन थी, एजुकेशन का अलग अलग लेवल नहीं था। क्योंकि अगर अलग अलग तरह की शिक्षा होगी उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन आएगा, फिर जो अलग उसमें छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें झगड़ा होगा और मुल्क बीच में रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि झगड़े में डिफरेंस पैदा हो गया, पढ़ाई में डिफरेंस आ गया। बुद्ध जो पढ़ाते थे वो आम भाषा में पढ़ाते थे। उन्होंने छांदस या वेद की, ये वेद की और छांदस उस भाषा को बोलते थे जिसमें वेदों को बोला जाता था। वेद जो बोले जाते थे या छंद जिसमें बोले जाते थे, उस भाषा को उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो भाषा आम पब्लिक की भाषा नहीं थी। वो कुछ बहुत खास लोगों ने अपने लिए गुप्त भाषा बनाई हुई थी। आज भी वो भाषाएं पब्लिक में आम नहीं है, और कभी भी वो भाषाएं पब्लिक में आम हुई नहीं। आम भाषा जो थी वो पाली थी, प्राकृतिक थी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो आम भाषा में आपने पढ़ाना है। तो ये एक बात ध्यान दीजिए कि उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में जो बेस रखा, जो मीडियम रखा, वो आम भाषा रखी, कोई स्पेशल भाषा नहीं रखी, और उसके लिए मना भी कर दिया। तो एजुकेशन का पहला लेवल उन्होंने समझाया कि जब एजुकेशन को आगे तक ट्रांसफर करना है, शिक्षा को ट्रांसफर करना है, नॉलेज को ट्रांसफर करना है, तो आम आदमी की भाषा, जिस भाषा को वो जानते हैं उसी में ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि समय बचे और वो जल्दी से सीख जाए और उसका इंटरेस्ट बना रहे। आप किसी ऐसे बच्चे को जो वो सीखना चाहता है और दूसरी भाषा में सिखाएंगे, उसे भाषा आती नहीं, वो सीखेगा नहीं, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो पढ़ाई बीच में छोड़ देगा, वो जाएगा नहीं, डरेगा फिर वो जाएगा। ये वो बात अच्छी तरह समझ सके। फिर उन्होंने एजुकेशन को फ्री रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति एजुकेशन का कोई पैसा ना लेगा ना देगा, और टीचर भी कोई पैसा नहीं ले सकता, उसको सोना चांदी पैसा लेने के लिए मना किया। और कोई टीचर अगर कुछ लेता भी है तो वो पूरे सारे टीचरों का संघ का होता है, संघ का होगा तो लेगा। यानी कि किसी भी आदमी के लिए एजुकेशन का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें पढ़ाई के बदले में कोई पैसा लेना देना नहीं होगा। यानी कि पढ़ाई कभी भी बिजनेस नहीं बनेगी, पढ़ाई कभी भी, एजुकेशन कभी भी किसी भी हालत में कैपिटल लोगों के हाथ में या कैपिटलिस्ट नहीं बनेगी, इसका व्यवसाय नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट मना किया। तो चलता कैसे था उस समय का सिस्टम में, जो वहाँ का राजा होता था वो उस बिहार को कुछ जमीन देता था। जैसे नालंदा के केस में, नालंदा में जो राजा था, राजा ने नालंदा को बहुत सारी जमीन दी। सारे भिक्खु जितने भी सीखने वाले टीचर थे वो सब वहाँ मेहनत करते थे और अपना खाना खुद वहाँ पैदा करते थे। कुछ लोग उन्हें दान भी दे देते थे, तो वो कभी किसी से पैसा ले लेते नहीं थे। स्टूडेंट का खाना पीना रहना सब उसी से हो जाता था, या राजा उनको दो चार गांव देता था जहां से जो रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू का मतलब था उस समय अनाज या फल सब्जी आती थी या दूध आता था, वो उनको मिल जाता था। इसलिए राजा की जिम्मेदारी थी। इससे राजा को क्या मिलने वाला था? राजा जानता था कि अगर मेरे देश में सब पढ़ लिख जाएंगे तो ये पूरी दुनिया में जाएंगे, वहाँ कामकाज करेंगे, ये जो भी काम करेंगे उसका रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, खेती करेंगे तो अच्छी खेती होगी तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, अगर ये पेड़ अच्छे उगाएंगे तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, अगर ये बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो जो कर ज़्यादा मिलेगा, टैक्स ज़्यादा मिलेगा, उससे मेरी तरक्की होगी। और ये बात ठीक भी है कि जिस देश के अंदर ज़्यादा कमाने वाले और अच्छे कमाने वाले लोग होते हैं उसके अंदर टैक्स भी ज़्यादा आता है और वो तेज़ी से डेवलप करता है। हम आज भी देख सकते हैं कि जो विकसित या डेवलप्ड कंट्री हैं उनके सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो दुनिया में चारों तरफ नौकरी करते हैं, अपने देश को पैसा भेजते हैं, या अपने देश में वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो ज़्यादा टैक्स देते हैं। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो टैक्स नहीं दे पाएंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। जब टैक्स ज़्यादा नहीं मिलेगा देश में गवर्नमेंट को, सरकार को, तो वो ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर पाएगी। ये उस समय के राजा समझते थे और ये बुद्ध भी समझते थे। इसलिए एजुकेशन को उन्होंने इन्वेस्टमेंट माना, एजुकेशन को उन्होंने एसेट्स माना कि ये देश की तरक्की का इन्वेस्टमेंट है। इसलिए सरकार का, राजा का दायित्व है कि वो अपने एसेट्स को, यानी कि अपने जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो व्यक्ति हैं पूरे उस देश के, उन सबको पढ़ाएं ताकि देश में ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा पैसा आए। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसका रहा। इससे भी बड़ी बात ये रही कि उन्होंने
ये पाया कि अगर सभी पढ़ जाते हैं तो सभी पढ़ने से जो क्राइम का रेट है वो घट जाता है, जो व्यभिचार का रेट है वो कम हो जाता है, जो क्राइम का रेट है वो कम हो जाता है, और लोग गंदी आदतों में नहीं जाते, वो खुद समझ जाते हैं। जैसे अगर देश के सारे नागरिक पढ़ जाएं तो वो कभी भी लोटा लेके खुले में शौच करने नहीं जाएंगे। जैसे आज देश की हालत है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो कैमरा लेके सुबह 5 बजे फोटो खींचते हैं कि कहीं कोई खुले में शौच में तो नहीं है, मगर अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो खुले में जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि खुले में जाने के नुकसान क्या है या क्या नहीं है। या रेलवे ट्रैक पर जो लोग थूकते हैं या हकते हैं तो रेलवे ट्रैक पर फिर वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी समझ जाता है। कई बार लोग परेशान होते हैं कि हमारा ड्राइवर गाड़ी के अंदर खांस रहा है या थूक रहा है, इससे हमें जर्म्स ना जाएं, बैक्टीरिया ना जाएं, बीमारी ना जाएं, मगर अगर पढ़ा लिखा ड्राइवर होगा तो वो जानेगा कि मेरे थूकने या छींकने से क्या होता है, और वो अव्वल तो वो बीमार होगा ही नहीं। तो पढ़ाई से देश को बहुत लाभ है, देश की स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ है। इसलिए बुद्ध ने ये सारी बातें समझी और एजुकेशन को उन्होंने पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट का सिस्टम का बनाया, असेंशियल पार्ट, और उन्होंने उसको खूब पढ़ाया और पढ़ाने की परंपरा रखी। इसलिए अशोक जैसा राजा कामयाब रहा, क्योंकि उसके राज्य में सभी पढ़ते थे और सभी पढ़े लिखे होते थे। बुद्ध की एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे ज़बरदस्त हिस्सा है वो ये रहा कि वो इतनी ज़बरदस्त एजुकेशन थी कि पूरी दुनिया में वो फैल गई और पूरी दुनिया में उसका फ़ायदा उठाया। जापान जैसा कंट्री भी उस एजुकेशन को अडॉप्ट, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपने यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल के सबसे ज़्यादा पढ़ाता है और उसके बच्चों में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और वहाँ क्राइम रेट सबसे कम होता है। तो जापान का या बुद्धिस्ट कंट्री जितने भी हैं उनका एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। भारत में जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है, बेसिकली भारत में रोजी रोटी की पढ़ाई है, यानी कि बच्चे को पहले दिन से पैदा होते ही ये चिंता हो जाती है माँ बाप को कि इसको इंजीनियर, डॉक्टर या इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला बनाना है और ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। यहाँ अक्षर ज्ञान का मतलब, यानी जो पढ़ाई है उसका मतलब सिर्फ बिजनेस है, उसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना है। देश को बढ़ाने का या अपने आप को आगे बढ़ाने का जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट एजुकेशन हो गई है, ये भारत में सिस्टम बाहर से आया है, ये बुद्ध का सिस्टम नहीं है। भारत को पीछे करने का और कमज़ोर करने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया, शिक्षा को बिजनेस में बना दिया। क्योंकि एक बच्चा अगर पढ़ेगा, एक परिवार अगर पढ़ेगा, एक अगर सिटी कंट्री पढ़ेगा तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसका उदाहरण आपने जगह जगह देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग ही बाहर जाते हैं। इसलिए जब से बुद्ध की एजुकेशन यहाँ से गई है, क्योंकि बुद्ध के, आप सोचिए कि अब से 2500 साल पहले बुद्ध के पढ़ाए हुए जितने भी टीचर थे वो पूरी दुनिया में फैल गए, तो अब तो स्पीड बहुत तेज़ हो सकती है। इसलिए भारत को अगर बढ़ाना है, भारत को अगर दुनिया में विश्वविजेता बनना है, भारत को अगर सोने की चिड़िया बनना है, तो सारी की सारी एजुकेशन पॉलिसी वही अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो बुद्ध के समय थी, जो अशोक के समय थी। अशोक के समय और बुद्ध के समय रेजिडेंशियल जो स्टडी या कॉलेज का सिस्टम होता था वो सबसे बढ़िया था। बच्चा 24 घंटे वहीं पढ़ता था, 3 साल का कोर्स वो 6 महीने में ख़त्म कर देता था, फिर वो हायर स्टडी या हायर एजुकेशन के लिए तैयार होता था और फिर वो सेवा करता था। टीचर वही बनते थे जिनकी इच्छा होती थी, यानी बॉर्न टू टीच, जो पैदा ही पढ़ाने के लिए हुए हैं वही टीचर बनते थे, विलिंगफुल वाले। ऐसा नहीं है जैसे आजकल टीचिंग क्या हो गया है, आज की डेट में टीचिंग पेट भरने का जरिया हो गया है। हमको कैसे ही नौकरी मिल जाए, टीचर की मिल जाए, हमें सर्वेंट की मिल जाए, हमें LDC मिल जाए, UDC मिल जाए, अफसर बन जाए, कहीं ना कहीं हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए। काम कुछ और करना चाहता है व्यक्ति, कर कुछ और रहा है। इसलिए किसी बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो वो सोचता है कि एजुकेशन के अंदर ही हो जाए, BEd में हो जाए, BTC में हो जाए, वो उसमें जलेता है, फिर उसमें कोर्स करने के बाद में टीचर बनता है। विलिंग टीचर नहीं है। अगर टीचर ही विलिंग नहीं होगा, टीचर ही अपनी इच्छा से नहीं बनेगा, तो वो क्लास में पढ़ा भी नहीं पाएगा। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में हायर लेवल तक फ्री और इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, एक ही लैंग्वेज में होनी चाहिए, और सारा सिस्टम जितना भी है वो देश हित में और देशभक्त के हिसाब से होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, व्यक्ति को खुद को आगे बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर सब नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई के मायने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ से बात करेगा तो समानता नहीं रहेगी, फिर देश में छीना झपटी होगी। इसलिए बुद्ध के बनाए हुए नियम, बुद्ध के बनाए हुए प्रिंसिपल, बुद्ध की बनाई हुई पॉलिसीज़, जिन भी देशों ने इसको अडॉप्ट किया है वो बहुत आगे निकल गए, जिन देशों ने अडॉप्ट नहीं किया या जिन देशों में थी उसमें कैपिटलिस्ट पॉलिसी आ गई, वो देश उन देशों के गुलाम हो गए और वो गुलाम रहेंगे जब तक वो
समान शिक्षा, इक्वल शिक्षा और कंपलसरी शिक्षा के लेवल को अडॉप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद।